मेकर का काइट मेकर। आपको टाइटल से ही पता लग रहा होगा काइट मेकर, इसका मतलब काइट का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? पतंग, पतंग बनाने वाले के बारे में कहानी है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देयर वॉज बट वन ट्री इन द स्ट्रीट नोन एज गली रामनाथन, कि एक गली में क्या था, पेड़ था जिसका नाम था बस एक ही था, गली राम नाथन। एशियंट बनियन ट्री, कि बरगद का पुराना पेड़ था। डेट हैड ग्रोन थ्रू द क्रैक्स ऑफ एबेंडेंट मॉस्क्यू, जो कि एक टूटी हुई, एबेंडेंट का मतलब होता है, क्या होता है एबेंडेंट का मतलब, टूटा हुआ, टूटी हुई, और मॉस्क्यू का मतलब क्या होता है, मस्जिद, टूटी हुई मस्जिद के क्रैक्स का मतलब क्या होता है, जो तड़ेड़े आई हुई है, इसका मतलब टूटी हुई मस्जिद के तड़ेड़ों में से वो निकला हुआ था, इसका मतलब उगा हुआ था वो पेड़। एंड लिटल अलीज काइट, एक बच्चा था छोटा, उसका नाम था अली, उसकी पतंग हेड कोट इन द ब्रांचेस, उसकी टहनियों में फंस गई। द बॉय बेयर फुट, जो लड़का था वो नंगे पैर, एंड क्लैड ओनली इन अ टॉन्स, क्लैड होता है एक स्पेशल टाइप की पोशाक कह सकते हो आप, पहनावा, तो अब इसका क्लैड क्या है, ओनली इन अ टॉन शर्ट, की फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी उसने। रैन अलोंग द कोबल्ट स्टोन, कोबल्ट होता है बेटा जो पथरीला, ऐसे ऐसे पथरीला गोल गोल पत्थर लगे हो वो सरफेस, उस पत्थर वाले सरफेस पे वो भाग रहा था नंगे पैर, जो कि छोटी सी गली में था। टू वेयर हिज ग्रैंड फादर सेट नोडिंग, जहाँ पे उसके दादा बैठे हुए थे और सर हिला रहे थे दिन में ही सपने लेते हुए। इन द सनशाइन ऑफ देयर बैक कोर्टयार्ड, वो पीछे के आंगन में बैठे हुए थे अपने, धूप सेक रहे थे और नींदों में, दिन में ही नींद, दिन में सो रहे थे। द ग्रैंड फादर शाउटेड द बॉय, बॉय ने एकदम, उस लड़के ने एकदम जोर से आवाज़ लगाई, क्या, ग्रैंड फादर, दादाजी, माई काइट हैज़ गोन, किम, जो मेरी काइट थी पतंग वो चली गई है। द ओल्ड मैन वॉक फ्रॉम हिज डे ड्रीम, वो अपने दिन के सपने से उठा, विद स्टार्ट एकदम हैरानी से, एंड रेजिंग हिज हेड, अपना सर उठाया, डिस्प्लेड अ बियर्ड, एक इसका मतलब अपनी दाढ़ी दिखाई, उसको उसके दाढ़ी थी उसके दादा के, डेट वुड हैव बीन वाइट, वो लगता था कि देखने से कि वो क्या होगी, वाइट होगी, सफ़ेद होगी। एंड हैड इट नॉट बीन डाइड रेड विद मेहंदी लीव्स, और क्या उसने, उन्होंने मेहंदी लीव से अपनी जो दाढ़ी थी वो डाई कर रखी होगी। डिड द ट्विन ब्रेक, अब वो कह रहा है कि ब्रांच, ट्विन, ट्वाइन का मतलब होता है ब्रांच कह सकते हो आप, ट्वाइन ब्रेक, ही आस्क्ड टू नो डेट काइट ट्वाइन इज नॉट व्हाट इज इट यूज टू बी, कि वो कह रहे कि जो वो जो ट्वाइन है इसका मतलब वो ब्रेक हो सकती है। ही आस्क्ड टू नो डेट काइट ट्वाइन इज नॉट व्हाट इज यूज टू बी, जो वो कह रहे कि जो काइट की ट्वाइन होती है इसका मतलब काइट पे जो लकड़ी लगी होती है वो इसलिए नहीं होती है जिसलिए तुम समझ रहे हो। नो ग्रैंड फादर द काइट इज स्टक इन द बनियन ट्री, अब वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैं इस लकड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं पेड़ की बात कर रहा हूँ, बनियन की ट्री की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरी पतंग अटक गई है। द बॉय द ओल्ड मैन चकल्ड, जो वो बूढ़ा आदमी था वो हंसने लगा, इसका मतलब मुंह बंद करके, चकल्ड का मतलब होता है कि चुपके चुपके हंसना, चुपके हंसना, इसका मतलब किसी को दिखाना नहीं। अब वो उसकी छोटे बच्चों की बातों पे हंस रहे थे चुप चुप के। यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड, कि तुम्हें अभी सीखना है कि कैसे ये पतंग उड़ाई जाती है सही तरीके से। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, और मैं बहुत बूढ़ा बुजुर्ग हो चुका हूँ कि तुम्हें सिखा सकूँ, डेट्स द पिटी ऑफ इट, और इसलिए मुझे दया भी आती है। बट यू शैल हैव अनदर, बट तुम्हें दूसरी मिलेगी। ही हैड जस्ट फिनिश मेकिंग अ न्यू काइट फ्रॉम अ बैम्बू पेपर एंड थिन सिल्क, कि उन्होंने अभी अभी बैम्बू पेपर और थिन सिल्क से एक नई काइट बनानी है, बनाई है। इट ले इन द सन फर्मिंग अप, और वो उसने सूरज में रखी है, उसके दादाजी ने सूरज के नीचे, कि जिससे वो सूख जाए। इट वॉज पेल पिंक, वो हल्का पिंक कलर की काइट थी, विद अ ग्रीन टेल, और उसकी क्या पूछ कैसी थी, हरे रंग की थी। द ओल्ड मैन हैंडेड इट
द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली, उसने अली को दे दी। द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टोज, वो अपने पंजों पे खड़ा हुआ। किस हिज फादर्स होलोड चिक, और होलोड का मतलब होता है खाली, इसका मतलब वो बूढ़े थे, तो इसका मतलब उनके दांत निकले हुए थे, तो जो उनकी गाल थे वो बिल्कुल खाली थे। आई विल नॉट लूज दिस वन, बच्चा बोलता है कि मैं इसको नहीं खोऊंगा। द काइट विल फ्लाइट लाइक अ बर्ड, और जो पतंग है वो एक पक्षी की तरह उड़ती है। देन ही टर्नड ऑन हिज हील्स, और वो एकदम घूमा एंड स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड से भाग गया। द ओल्ड मैन रिमेन ड्रीमिंग इन द सन, और फिर जो बूढ़ा आदमी था वो सपना लेते रह गया, फिर से सपने लेने लग गया जैसे वो सो रहा था धूप में। हिज काइट शॉप वॉज गॉन, उसकी जो काइट शॉप थी वो चली गई थी। द प्रेमिस लॉन्ग, जो प्रेमिस थे, इसका मतलब उसका घर बार था। प्रेमिस का मतलब वैसे होता क्या है, मैं आपको, प्रेमिस का मतलब होता है परिसर, क्या होता है बेटा, परिसर, कि किसी भी फैक्ट्री का परिसर। तो वो कह रहे हैं उनका जो काइट शॉप थी वो चली गई है। सिंस सोल्ड टू जंग डीलर, और उसने क्या कहते हैं अपने प्रीमिस भी, जो बड़े बड़े उनके क्या कहते हैं तहखाने थे, वो भी एक कबाड़ी को भेज दिया। ही स्टिल मेड काइट्स फॉर हिज ओन एम्यूजमेंट, अपने मजे के लिए वो अभी भी पतंगे बनाता है। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज ग्रैंडसन, और अपने पोते के मजे के लिए भी। नॉट मैनी पीपल बोट काइट्स, कि बहुत आज के टाइम में पतंगे खरीदते नहीं हैं। एडल्ट्स डिसडेन देम, जो एडल्ट से, इसका मतलब एडल्ट कौन होते हैं, जो कि इसका मतलब एक्सपीरियंस हो और थोड़ी बड़ी एज में हो, उन्होंने क्या कहते हैं, डिसडेन का मतलब क्या होता है, तिरस्कार, इसका मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की काइट्स की, और अब यूज़ करना बहुत कम कर दिया। चिल्ड्रन प्रिफर टू स्पेंड देयर मनी एट द सिनेमा, और आजकल के बच्चे क्या फिल्म देखने पे पैसा खर्च करते हैं। मोर ओवर देयर वर नॉट मैनी ओपन स्पेसिस लेफ्ट फॉर फ्लाइंग क्लाइट्स, और ज़्यादा, और हम क्या बोले कि आजकल खुले स्पेसिस भी नहीं बचे, जगह भी नहीं बची है जहाँ पे हम पतंगे उड़ा सके। सिटी हैड स्वेलोड अप द ओपन ग्रास लैंड, जो खुले मैदान थे उसको शहरों ने खा लिया है। डेटा स्ट्रेस फ्रॉम ओल्ड फोर्ट वॉल टू रिवर बैंक, जो कि कहाँ से फैल गए हैं, पुराने किले से रिवर बैंक तक, इसका मतलब नदियों तक फैल गई है शहर। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड अ टाइम व्हेन ग्रोन मैन फ्लू काइट्स एंड ग्रेट बैटल वर फोर्ट, कि जो बूढ़ा आदमी था वो याद कर रहा था कि अपने टाइम को जब बड़े लोग भी पतंगे उड़ाते थे, और एंड ग्रेट बैटल्स वर फोर्ट, और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते थे। द काइट स्वॉमिंग एंड स्वूपिंग इन द स्काई, जो काइट थी वो, इसका मतलब स्वॉबिंग एंड स्वूपिंग होती है, झपट्टे झपट्टे मारना, झपट्टे मारना और झपट्टे मारना, इसका मतलब वो ऊपर नीचे हिल रही थी। टेंगलिंग विद ईच अदर, टेंगलिंग होता है बेटा उलझना, क्या होता है उलझना, तो अब इसका मतलब एक दूसरे से वो उलझ कर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो पीछे भी खाते हैं। अनटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वॉज सीवियर्ड, कि जब तक एक की जो थी डोर थी वो टूट ना जाए, इसका मतलब पेचे होके कट ना जाए। देन द डिफीटेड बट द लिबरेटेड काइट वुड फ्लोट अवे इन द, जब जो हारी हुई काइट थी, इसका मतलब जो कट जाती है, बट लिबरेटेड, इसका मतलब कट जाती है, इसका मतलब हार गई वो, बट कहते हैं फ्री भी हो गई। काइट वुड फ्लोट अवे इन टू द स्काई अनोन, और वो उड़ती रहती है आसमान में। There was a good deal of betting, और हम इस पर शर्तें भी लगाते थे पहले। Money frequently changed hands, और money बार बार किसी, कभी किसी के हाथ में जाता था, कभी किसी के हाथ में, कभी कोई जीतता था, कभी कोई जीतता था। Kite flying was then the sport of king, जब क्या था वो, kite flying क्या था, राजाओं का खेल होता था। And old man remembered how the Nawab himself come down to the river side, और जब वो जो बूढ़ा आदमी है वो याद कर रहा है कि नवाब कैसे आते थे रिवर साइड पे विद हिज रेटिन्यू। रेटिन्यू होता है उसका समूह, जो उसके साथ ग्रुप के, रेटिन्यू होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ चले, इसका मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो एक इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ चले। अब इसमें क्या है इम्पोर्टेंट पर्सन, नवाब, नवाब के साथ इसका मतलब उसकी फौज आई टू पार्टिसिपेट इन द नोबल पास टाइम, और बहुत ही अच्छे, इसका मतलब टाइम पास करने के
उसमें खेल में प्रतियोगिता में वो भी पार्ट लेने आए। देर वॉज टाइम देन टू स्पेंड एन आइडल आर विद अ गे डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर, कि वो समय होता था जब बंदा अपना खाली समय किस में एक गुजारता था कि गुजारता था विद अ गे एंड डांसिंग। गे होता है, गे का मीनिंग है यहाँ पे हैप्पी, हैप्पी इसका मतलब वो बहुत ही खुश जो दिखने वाली, और डांसिंग स्ट्रिप इसका मतलब डांस करने वाली, स्ट्रिप ऑफ पेपर इसका मतलब पतंग की बात हो रही है। नाउ एवरी वन हरीड, अब सब कोई को जल्दी है। इन अ हॉट हीट ऑफ होप, आशा भरी अग्नि से सब तप रहे। डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम्स वर ट्रेम्पल्ड अंडर फुट, और जो काइट्स वगैरह थी और डे ड्रीम्स थी आजकल सब अपने पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। एंड ट्रेम्पल्ड होता है बेटा कुचलना। ही महमूद द काइट मेकर हैड इन प्राइम ऑफ हिज लाइफ बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी, कि जो महमूद है वो पूरे सिटी में क्या बहुत ही जान पहचान है उसकी, बहुत ही माना हुआ नाम है ये, इसका मतलब वो बहुत ही फेमस था उस वक्त काइट मेकर, पतंग बनाने वाला। सम ऑफ हिज मोर एलिब्रेट काइट्स वन सोल्ड फॉर एज मच एज 3 or 4 rupees, कि कभी कभी वो इतनी अच्छी काइट्स बनाता जो 3 या 4 रुपए की भी बिकती थी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब ही हैड मेड अ स्पेशल, वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट अनलाइक डेट हैड बिन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट, कि उन्होंने एक बार नवाब के कहने पे बहुत ही एक अनोखे तरीके की काइट बनाई जो कभी किसी ने नहीं देखी थी। इट कंसिस्टेड ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क, वो किससे से बनी हुई थी, छोटे छोटे पेपर की डिस्क से बनी हुई थी। ट्रेलिंग ऑन अ थिन बैम्बू फ्रेम, एक बैम्बू फ्रेम था ऐसे, उस पर कहते हैं स्मॉल स्मॉल कहते ऐसे करके डिस्क लगा रखी थी, उससे पतंग बना रखी थी। टू द एंड ऑफ ईच डिस्क, हर एक डिस्क के एंड में उन्होंने क्या लगा रखा था, ही फिक्स द स्प्रिग ऑफ ग्रास। स्प्रिग होता है किसी भी चीज़ की टहनी, अब स्प्रिग ग्रास की पूछी हो तो इसका मतलब ग्रास की टहनी, छोटी छोटी ग्रास की टहनी लगा रखी थी, फॉर्मिंग अ बैलेंस ऑन बोथ साइड, जिससे कि दोनों साइड्स पे बैलेंस बन सके। द सरफेस ऑफ द फॉरमोस्ट ड्रिंक वॉज डिस्क वॉज स्लाइटली कन्वेक्स, जो सरफेस था जो सबसे पहले डिस्क का था वो थोड़ा सा कन्वेक्स था। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, ये वाला कि ऐसे लगा हुआ था वो सरफेस से, ये सरफेस हो गया और ऐसे लगा हुआ था, ये हो गया कन्वेक्स, ये क्योंकि ये वाला एरिया को हम क्या कहते हैं कन्वेक्स, और इस साइड वाले को क्या कहते हैं कनकेव, तो कन्वेक्स साइड उसका लगा हुआ था। अब फॉर्मिंग एंड अ फैंटास्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट, और उस पर पेंट भी कर दिया उन्होंने बहुत ही अच्छा। हैविंग टू आइज मेड ऑफ स्मॉल मिरर्स, और दो उस पर आँखें भी बना दी किससे, स्मॉल मिरर से। द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल, जो डिस्क लगाई थी उन्होंने पेपर की वो डिक्रीज कर रही थी, इसका मतलब सबसे ऊपर सबसे बड़ी थी, सबसे नीचे सबसे छोटी थी, इसका मतलब वो सबसे ऊपर छोटी 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 ऐसे के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही थी। द एज्यूम्ड एन अनअडल्टरी फॉर्म एंड गेव द काइट अपीयरेंस ऑफ अ क्रॉलिंग सरपेंट, तो अब वो उसको क्या दे रहे थे बच्चों, अनअडल्टरी का मतलब होता है अप एंड डाउन मूव, कि उसको अप एंड डाउन मूव की ऐसे अप एंड डाउन वो मूव कर रही थी, ऐसी फॉर्म दे रही थी, और गेव द अपीयरेंस ऑफ द क्रॉलिंग सरपेंट, और वो उसको कैसी फॉर्म दे रही थी, ऐसे अप एंड डाउन मूव करेगी तो ऐसी फॉर्म में कैसा लग रहा है, ये एक सांप की तरह लग रहा है, कि एक सांप की तरह वो चल रहा है। अब ये किस किस तरह लग रहा था बच्चों, सांप की क्रॉलिंग सरपेंट की तरह। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज दिस कम्बरसम डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट, तो इस ये जो अब इन्होंने बनाई थी इसका मतलब कम्बरसम का मतलब होता है हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी, तो ये जो पतंग बनाई थी उन्होंने, ये डिवाइस बनाई थी, अब इसको डिवाइस कह दिया है कि ये इतनी भारी भड़कम जो बनाई थी चीज़, अब इसको स्पेशल स्किल चाहिए थी जो महमूदी कर सकता है, इसका मतलब महमूदी मैनेज कर सकता है। एवरी वन हैड हर्ड ऑफ द ड्रैगन काइट, कि सबको सबने सुना था ड्रैगन काइट के बारे में, डेट महमूद हैड बिल्ड, कि महमूद ने बनाई है। एंड द वर्ड वेंट राउंड इट पोजेस द सुपर नेचुरल पावर्स, वो सब जगह अफवाह फैल गई कि इसमें सुपर शक्ति है, सुपर नेचुरल होता है कि बहुत सारी शक्तियाँ है उसमें। अ लार्ज क्राउड असेंबल्ड इन द ग्रुप
इन द ओपन एक बहुत बड़ी भीड़ लग गई सारे के वो उसको काइट को देखने के लिए, टू वॉच इट फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ नवाब, कि उसकी पहली ओपनिंग देखने के लिए कि वो कैसी काइट है और कैसा उसका देखने का उसमें कैसी शक्ति है। सब लोगों की भीड़ उमड़ गई। तो अब हम हाफ पार्ट